नमस्कार, मैं डॉक्टर देवदूत सोरेन, मैं ब्रह्मानंद नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन बीमारी गॉलस्टोन्स के बारे में कुछ बताऊंगा। गॉल ब्लैडर जो है एक छोटा सा बहुत ही नरम सा ऑर्गन है जो हमारा पेट की ऊपर वाले हिस्से में दाहिने तरफ लीवर से जस्ट सटा हुआ एक छोटा सा ऑर्गन है। इसका मेन काम है, स्टोरेज ऑर्गन है ये, हमारा पित्त जो लीवर में बनता है वो यहाँ गॉल ब्लैडर में आके वो स्टोर होता है। गॉल स्टोन जो है एक्चुअली पित्त गाढ़ा होके धीरे गाढ़ा होते होते जो पत्थर बन जाते हैं उसी को हम लोग गॉल स्टोन्स बोलते हैं। गॉल स्टोन्स का होने के बहुत सारे कारण हैं, कोई भी कारण बहुत एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जनरली थोड़े जो ओबीस होते हैं, थोड़ा ज़्यादा जिनका वजन रहता है, 40 के ऊपर उम्र रहता है और कोलेस्ट्रॉल्स जिनको ज़्यादा रहता है, इन लोगों को ज़्यादा होने का संभावना रहता है। और साथ ही जो लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, स्किप करते हैं मील्स, उनको ज़्यादा होने का संभावना रहता है। क्योंकि मैं शुरू में ही बताया आपको कि पित्त जो है कोई भी कारण से गाढ़ा हो जाना, या तो पित्त में कोलेस्ट्रॉल चाहे चर्बी के चलते गाढ़ा हो जाना, और नहीं तो बहुत देर तक पित्त की थैली में पित्त का पड़े रहना गॉलस्टोन का कारण है। गॉलस्टोन जब भी होता है, गॉलस्टोन देखने के लिए जनरली अल्ट्रासाउंड का ज़रूरत पड़ता है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आप लोग जाते हैं जब आपको पेट में दर्द होता है, साथ में बुखार होता है, और जब भी आप कोई भी कारण में पेट में दर्द के चलते आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है, तो उसमें हम लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखता है। स्टोन देखने के बाद सर्जन जनरली आपको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में गॉल ब्लैडर में स्टोन का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी हाई है। करीब 100 मिलियन केसेस हम लोग हर साल हम लोगों को मिलता है, और जिसमें से कि 10% केसेस गॉल ब्लैडर कैंसर का मिलता है। तो जब भी स्टोन का केसेस हम लोगों को मिलता है, हम लोग ऑपरेशन का एडवाइस करते हैं, जो कि विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में जब गॉल ब्लैडर स्टोन्स रहे और साथ में प्रॉब्लम रहे तभी वो लोग ऑपरेशन करते हैं। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन का स्टैंडर्ड टेक्निक है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी यानी माइक्रोसर्जरी, जिसमें हम लोग 3 या 4 छेद पेट में करते हैं और उससे हम लोग पूरे ऑपरेशन करके पित्त का थैली पूरा बाहर निकाल देते हैं स्टोन के साथ। स्टोन और पित्त का थैली दोनों ही बाहर निकाला जाता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो एक नरम ऑर्गन है और जिसमें कि स्टोन एक बार हो जाता है तो वो काम लायक होता नहीं है, उसका कोई फंक्शन नहीं हो पाता। स्मूथ फंक्शन नहीं होने के चलते ऐसे भी वो शरीर में बेकार ही रहते हैं, उसमें खाली इन्फेक्शन का सोर्स रहता है। उस समय सेफ यही होता है कि उसको साथ में बाहर निकाल दिया जाए। इसके निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं खान पान में कोई विशेष तरह का रिस्ट्रिक्शन का ज़रूरत होता है, उसके बाद भी आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं और नॉर्मल खाना पीना कर सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। जबकि इसको अगर छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म में, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फेक्शन के अलावे वो पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, और बहुत दिन रहने से इवन कैंसर होने का भी संभावना रहता है। इसलिए गॉल ब्लैडर निकाल देना ही सबसे अच्छा है। धन्यवाद।